हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ कॉमन्स के पावर्स थे एंड आज हम इस सेशन में करेंगे पावर्स एंड डिक्लाइनिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। पहले हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स एंड आज हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की पावर्स कितनी है और आज के टाइम में पार्लियामेंट की पावर्स है वो डिक्लाइन करती जा रही है। क्यों? क्योंकि जितने भी पावर्स हैं सभी की सभी पावर कैबिनेट है वो यूज कर रही है। पार्लियामेंट एंड कैबिनेट डिफरेंस होता है। पार्लियामेंट में क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन दोनों के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब हम कैबिनेट की बात करते हैं हम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो आज हम ये करेंगे कि मिनिस्टर्स के पास, इट मीन्स कैबिनेट के पास बहुत सारे पावर्स हैं, जिस वजह से आज के टाइम में पार्लियामेंट की पावर्स हैं वो डिक्लाइन करती जा रही हैं। तो पहले हम देखते हैं कि थ्रेटिकली कौन कौन सी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट को दी गई है। थ्रेटिकली पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जो भी हमने हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर्स की थी वो सभी की सभी पावर पार्लियामेंट की पावर है। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, कोई नया लॉ बनाना है, अमेंडमेंट करनी है, वो किसकी पावर है, पार्लियामेंट की। एग्जेक्टिव पावर, जो एग्जेक्टिव्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो किसके लिए आंसरेबल है, अपने हर एक काम के लिए, टू द पार्लियामेंट दे आर आंसरेबल। तो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। एंड फाइनेंशियल पावर, देश की फाइनेंस पर कंट्रोल किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। इनकी कंसेंट के बिना एक भी रुपी ना खर्च होता है, ना ही हम कोई नया टैक्स लगा सकते हैं। देन जुडिशियल पावर, 2010 से पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थी, यही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी, तो इनके पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स भी थी। एंड टाइम के साथ इनकी जुडिशियल पावर भी रिड्यूस होती गई और आज के टाइम में जितने भी जज हैं, जो हाई ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उन पर इम्पीचमेंट करनी है वो कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, वहां पर ऑर्डिनरी लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ पास किया जाता है वो कौन सा लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। एंड उसके बाद जो नेशनल पॉलिसीज हैं वो कौन डिटरमिन करती है, पार्लियामेंट करती है। तो थ्रेटिकली इनके पास ये बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, बट इन रियलिटी ये सभी पावर्स पार्लियामेंट खुद नहीं यूज करती, ये पावर्स कैबिनेट के द्वारा ही यूज की जाती हैं। सो आज के टाइम में हम ये कहते हैं कि ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ना होकर कैबिनेट गवर्नमेंट है, तो इसको कैबिनेट गवर्नमेंट का भी नाम दिया जा रहा है। और आज के टाइम में जो पार्लियामेंट है इसके रियल फंक्शंस कितने रह गए हैं, जे सभी पावर्स होते हुए भी जे बहुत कम फंक्शंस है वो कर पा रही है, इनके कौन-कौन से फंक्शंस है जो जे काम एक्चुअल में करती है। नंबर वन, वेंटिलेशन ऑफ द ग्रीवेंस ऑफ पीपल, जे क्या करती है, जो लोगों की ग्रीवेंस है, जो लोगों की मुश्किलें हैं, जो उनकी वेलफेयर के लिए पॉलिसीज चाहिए, वो सभी पॉलिसीज जे पार्लियामेंट क्या कर रही है, मिनिस्टर तक लेकर जाती है। क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो लोग के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पता है कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, तो उनकी ग्रीवेंस है वो बस देश की पार्लियामेंट तक पहुंचाए जाते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स है वो सभी की सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन की जाती है। इसीलिए ये क्या करती है, सिर्फ गवर्नमेंट की इंटेंशन ही लेकर आती है कि इनको जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए, तो जी सिर्फ एक वेंटिलेशन का ही काम करती है। इसके अलावा जो खुद लॉ नहीं बना पाती, लॉ कौन बनाता है, कैबिनेट बनाती है। कैबिनेट को बस ये बताया जाता है कि हमको इस स्फीयर में काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जो आज के टाइम में पार्लियामेंट है वो सिर्फ क्रिटिसाइज ही तो कर सकती है, जितनी भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज है, इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने का काम कौन कर रही है, वो करी है हमारी पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, और गवर्नमेंट है वो भी अपनी मन मर्जी से हर एक काम नहीं करती, बस इन पर कंट्रोल लगा रही है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई कि पार्लियामेंट क्या करेगी, क्रिटिसाइज करेगी। अगर वो क्रिटिसाइज करती है और वो सभी क्रिटिसिज्म जब रिले होते हैं न्यूज में, सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं, तो लोगों को सरकार की कमियां पता चलती है, इसीलिए कैबिनेट इससे थोड़ा सा डरती है क्योंकि ये क्रिटिसाइज कर सकती है। नंबर थर्ड, टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, इसका मीनिंग क्या है,
मिडिल मैन का काम कर रही है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, क्योंकि जो सरकार है कैबिनेट है उसको लोगों के हर एक प्रॉब्लम के बारे ग्रीवियंस के बारे नहीं पता है। तो ये सब कुछ जो हर एक मेंबर है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड होता है वहाँ के प्रॉब्लम्स सरकार तक लेकर जाते हैं एंड इसके साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो लोगों तक कन्वे करते हैं। तो ये मिडिल मैन का काम कर रहे हैं, जो लोगों के ग्रीवियंस है उनको भी कन्वे करते हैं और पॉलिसीज हैं इनको भी कन्वे करते हैं। नंबर फोर्थ, टू प्रोवाइड पॉलिटिकल एजुकेशन। ये क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एजुकेशन दे रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की जो भी स्पीच होती है या डिबेट्स होती है वो सभी की सभी रिले की जाती है न्यूज़पेपर में, न्यूज में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया पे। आज के टाइम में तो लाइव टेलीकास्ट भी होता है जिस वजह से लोगों को हर एक प्रॉब्लम के बारे में, हर एक बिल के बारे में पता चलता है और जो सरकार की प्रॉब्लम्स है इनके बारे में पता चलता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लोगों को एजुकेशन मिलती है रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। नेक्स्ट इज टू गेट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कैसे, जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं सभी के सभी मेंबर्स क्या कर सकते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं एग्जेक्टिव हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है जी वो इन्फॉर्मेशन भी गेट कर सकते हैं। तो मेंबर्स के पास ये भी एक राइट है, ये भी एक काम करे कि इन्फॉर्मेशन ले सके मिनिस्टर से कि आप कर क्या रहे हो, आपकी कौन सी पॉलिसी है जिससे लोगों का वेलफेयर होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव फंक्शंस। सिलेक्टिव फंक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, जो देश के नेशनल लीडर्स हैं इनको सिलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो पर्सन अपना टैलेंट दिखा पाते हैं वो ही ऑलमोस्ट जो नेशनल लीडर है उनके रूप में ही हमारे सामने आते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, पार्लियामेंट में कौन सा पर्सन है, कौन सा मेंबर है जो आगे देश का लीडर बनेगा, ये कौन सिलेक्ट करती है, देश की पार्लियामेंट ही सिलेक्ट करती है। नेशनल लीडर्स किसका प्रोडक्ट होते हैं, ये पार्लियामेंट का ही प्रोडक्ट होते हैं। एंड लास्ट वन इज डेलीब्रेटिव फंक्शन, जो अपनी मर्जी से किए जाते हैं। वैसे तो जो फंक्शन है वो कैबिनेट कर लेती है लेकिन फिर भी पार्लियामेंट अगर करना चाहे वो कर सकती है, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, इंडस्ट्री, ट्रेड, एजुकेशन, होम पॉलिसी, एनवायरमेंट। तो जिस सब फंक्शन है जो फंक्शन भी जो देश की पार्लियामेंट है वो कर सकती है। तो हम ये कहते हैं थ्रेटिकली पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है बट इन रियलिटी इनके फंक्शन कितने लिमिटेड हो चुके हैं, इनके फंक्शंस इतने लिमिटेड हैं कि पार्लियामेंट आज के टाइम में बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गया है। सबकी सभी पावर्स कैबिनेट के द्वारा ही यूज की जा रही है। तो डिक्लाइन कर रही है, तो डिक्लाइन क्यों कर रही है, आज के टाइम में पार्लियामेंट की पावर्स है वो डिक्लाइन करती जा रही है, इसके क्या कॉजेस है, तो हम अब इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ द कैबिनेट। इसमें क्या है, जो कैबिनेट है कैबिनेट की डोमिनेंस है। इट मीन्स क्या हो गया, पार्लियामेंट वो करती है जो कैबिनेट कहती है कि आपको ये काम करना है, इसीलिए पार्लियामेंट के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं, पार्लियामेंट डांसेस टू द ट्यून ऑफ कैबिनेट। इट मीन्स क्या हो गया, कैबिनेट जो कुछ कहती है पार्लियामेंट वही करती जाती है। 99% जो बिल्स हैं वो बिल्स कैबिनेट के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ना कि पार्लियामेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जो कैबिनेट है आज के टाइम में इतनी पावरफुल बन चुकी है कि वो कुछ भी करवा सकती है फ्रॉम द पार्लियामेंट, जो कुछ भी कहा जाएगा वो सब कुछ पार्लियामेंट कर कर देगी। इसलिए कैबिनेट ही क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। जितने भी बिल्स पास करने हैं कैबिनेट के द्वारा ही पास किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एनुअल बजट है, इस पर भी कंट्रोल किसका है, कैबिनेट का। सेशन है, उसका समनिंग करनी है, समन हो रहा है, वो भी कौन डिसाइड करती है, कैबिनेट करती है ना कि पार्लियामेंट करती है। इसीलिए डोमिनेंस किसकी होगी, कैबिनेट की, ना कि पार्लियामेंट की। कोई डोमिनेंस है वो अपनी पॉलिसीज खुद नहीं बना सकते, कैबिनेट ही सारे डिसीजंस लेता है। नंबर टू, टाइट कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वहां पर बाय पार्टी सिस्टम है, तो जो मेंबर्स हैं मेंबर्स को अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात माननी पड़ती है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानेंगे क्या होगा, तो हो सकता है उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में ना टिकट मिले। इसलिए हर एक मेंबर डरता है, जो उनकी पार्टी कहती है वो ही काम करना पड़ेगा। तो जो पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, मेजोरिटी में है, वो अपनी कैबिनेट की सभी बातों को बनवा रही है और जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्रिटिसाइज कर रही है। तो सिंपली वहां पर ज्यादा पार्टीज तो है नहीं, जितने भी पार्टीज हैं वो सभी अपना अपना काम कर रही है अकॉर्डिंग टू विलिंगनेस ऑफ द पार्टी,
ना कि हर एक मेंबर अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हम कहते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इनको फ्रीडम दी गई है, राइट दिया गया है टू स्पीक, वो कुछ भी बोल सकते हैं फियरलेसली, उनके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं होगा। लेकिन इन रियलिटी वो क्या करते हैं, वो वही वर्ड्स कहते हैं जो उनको पार्टी कहती है। आपको ये बोलना है तो पार्टी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का ही कंट्रोल बन चुका है, तो हर एक मेंबर टाइटली बाउंड है पार्टी डिसिप्लिन से। पार्टीज विप को अपॉइंट करती हैं, विप इशू होने के बाद जो पार्टी ने कहा हर एक मेंबर को वही करना पड़ेगा, और कोई पर्सन इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो पार्टी के विप को या पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट कर सके। नेक्स्ट इज कैबिनेट कैन गेट द हाउस ऑफ कॉमन्स डिसॉल्व। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, वो भी किसके कहने पर, कैबिनेट के कहने पर। कैबिनेट का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व भी करा सकता है। इसीलिए पार्लियामेंट क्या करती है, जो कुछ भी कैबिनेट कहती है उनकी बातों को मान लेती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है बहुत बार पार्लियामेंट में ये धमकी देता है, अगर आपने ये बिल पास नहीं किया, आपने ये बात नहीं मानी, तो मैं पार्लियामेंट को, हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व करा दूंगा। क्योंकि वही आगे किंग के पास जाता है, वही कहता है कि आप हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व कर दीजिए। इसीलिए सभी मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर से, कैबिनेट से डरते हैं, क्योंकि उनकी मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी, दोबारा से इलेक्शन होगी। इसीलिए पीएम है वो क्या करता है, अपने विशेष को मनवा लेता है, जो कुछ वो करना चाहे वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल नेचर ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की टेक्निकल नेचर है, इट मींस क्या हो गया, नए लॉ बनाने हैं, अमेंडमेंट करनी है। क्या हर एक पर्सन के लिए बहुत इजी है लेजिस्लेटिव की हर एक बात को समझ पाना, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत टिपिकल होती है, जो वर्ड ये यूज करते हैं तो वो वर्ड्स है हर एक पर्सन है वो नहीं समझ पाता। जिसको लॉ की नॉलेज है सिर्फ वो ही पर्सन ही वो बातों को समझ पाते हैं, और जो लॉ बनाए जा रहे हैं हर एक कैबिनेट है, कैबिनेट के ऑफिस में बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ही तो लॉ बना रहे हैं, अगर एक्सपर्ट्स लॉ बना रहे हैं तो आम पर्सन को वो लैंग्वेज के बारे में, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो आज के टाइम में टेक्निकल नेचर होने की वजह से जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनके पास कोई पावर ही नहीं रहती कि वो इनको इम्प्रूव कर सके, डिटेल में डिस्कस कर सके, ना ही पार्लियामेंट के पास इतना टाइम होता है। जब वो सेशन में होती है तो वो क्या करती है, उसने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, जो भी बिल कैबिनेट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा दिया गया वो बिल को पास कर दे। पार्लियामेंट क्या है, जस्ट फॉर्मल कंट्रोल है ओवर द बिल्स, क्योंकि जितने भी बिल्स हैं वो ड्राफ्टेड होते हैं इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विद द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट्स। एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आज के टाइम में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की प्रोविजन है, इट मींस क्या हो गया, पार्लियामेंट क्या कर रही है, बिल को ड्राफ्ट कर रही है, और उसके बाद जो बिल के छोटे छोटे से पॉइंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, इसको डिटेल में कौन बनाता है, जो कैबिनेट का सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, वो ही हर एक रूल को, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता है। तो इनके पास टाइम की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पावर्स किसको दे दी गई है, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनको ही दे दी गई है, कि पार्लियामेंट सिर्फ ड्राफ्ट को पास कर देगी, उसके बाद जो इसकी बारीकियां है, जो छोटे छोटे रूल्स है, वो आपको ही बनाने हैं। तो पार्लियामेंट की पावर क्या होगी, ऑटोमेटिकली डेलीगेट होगी, दे दी गई टू द कैबिनेट। इसीलिए आज के टाइम में पास किए जाते हैं ओनली ड्राफ्ट, और फ्रेम किया जाता है बाय द एग्जेक्टिव, बाय द कैबिनेट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नेक्स्ट इज मिस यूज ऑफ द पावर टू इश्यू ऑर्डर काउंसिल। इट मींस क्या हो गया, कि जो काउंसिल का ऑर्डर है इसका मिस यूज हो रहा है। ऑर्डरिंग काउंसिल क्या होती है, जे किंग का एक राइट होता है, जिससे किंग ने जो रॉयल फरमान है, डिक्री है, जो भी कुछ वो कहना है, अगर किंग वो वर्ड क्या देती है, ऑर्डरिंग काउंसिल इशू कर देती है, इट मींस क्या हो गया, सभी की सभी कैबिनेट को, सभी की सभी पार्लियामेंट को वही बात माननी पड़ेगी। लेकिन जे राइट किंग का है, आज के टाइम में जे पावर भी किसके द्वारा यूज की जा रही है, कैबिनेट के द्वारा ही यूज की जा रही है। नेक्स्ट इज कैबिनेट्स कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है इसकी वर्किंग पर भी कंट्रोल किसका है, कैबिनेट का है, क्योंकि कैबिनेट
डिसाइड करती है कि हमको जो आज का सेशन है इसमें क्या डिस्कस करना है और कितने टाइम के लिए डिस्कस करना है। पार्लियामेंट जी डिसाइड नहीं करती, ये डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा भी डिसीजन लिया जाता है कि व्हाट इज टू बी डिस्कस एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन, कितने टाइम तक। उसके बाद जब टाइम खत्म होता है तो क्लोजर मोशन है वो इशू कर दिया जाता है। इट मींस क्या हो गया, तो प्रपोजल आ गया कि सेशन को क्लोज कर दो। सारा डिसीजन कौन ले रहा है, कैबिनेट ले रही है, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर रही। एंड लास्ट वन इज बाय पार्टी सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो बाय पार्टी सिस्टम होने की वजह से एक पार्टी मेजोरिटी में है और दूसरी पार्टी ऑपोजिट पार्टी है, तो सरकार क्या होती है, स्टेबल होती है, पार्टी डिसिप्लिन होता है और जो अपनी पार्टी के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स पार्टी की हर एक बात को मानते हैं, तो स्टेबल सरकार है वो चलती है। इसीलिए पार्टी के जो पार्लियामेंट के दूसरे मेंबर्स हैं अगर वो कुछ भी कहते हैं इसको सरकार है वो बोधन नहीं करती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ वर्क कर रहा है। इसीलिए वो कहते हैं कि आज के टाइम में जो कैबिनेट इन्फ्लुएंस है और भी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि ये कंसर्न नहीं है फॉर फिटिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी। तो इनको कोई मीनिंग ही नहीं है, अपनी पार्टी या पार्टी के अकॉर्डिंग वर्क करती रहती है और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चलता रहता है। तो आज के टाइम में क्या हो गया, आज के टाइम में जो भी हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहे इंडिया में है, ब्रिटिश में, जैसे किसी और कंट्री में है, हर एक कंट्री में पार्लियामेंट की पावर्स हैं इन रियलिटी रिड्यूस होती जा रही है। सभी की सभी पावर्स किसको डेलीगेट कर दी गई है, कैबिनेट को कर दी है। तो आज के टाइम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम होते हुए भी ये कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुकी है। तो आज हमने इस सेशन में पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में किया और डिक्लाइन क्यों करें इसके कोर्स के। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।